जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्यभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करे, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो, कंट्रोल। बाइबल के अध्ययन जबूर की पोथी 122 अध्याय 6 से 9 आई यरूशलेम की शांति दे लेली पूछो तुम्हारी प्रेमी शांति बीच रही है तुम्हारिया शहर पन्ना बीच शांति ऐसे तुम्हारी महला बीच शांति होवे मेरे बराबरी ऐसे साथिया दिखाकर मैं कहांगा तुम्हारी नाल शांति होवे प्रभु मेरे परमेश्वर दे घर दिखाकर मैं तेरी भलाई मंगांगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड असी रूह विच पराया भाषा विच जुझारू ढंग नाल प्रार्थना करांगे ऐते संसार दिया कौमा विच शांति दे लई हालेलुया इन्ना बच्चन आई दे अनुसार अपने बराबर दे लई जुझारू नाल प्रार्थना कर दे हन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओली का सांग टाट रे शुलमान रबाला बाहु सकुला को प्रेज ओली का सांग टाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बाहुंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा नमस्सा ने मेरे बोनी का सांग टाट रे ओ शुलमान रबाला बाहु सकुला को प्रेज ओली का सांग टाट रे शुलमान रबाला बाहु सकुला को प्रेज ओली का सांग टाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बाहुंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा नमस्सा ने मेरे बोनी का सांग टाट रे ओ शुलमान रबाला बाहु सकुला को प्रेज ओली का सांग टाट रे ओ धन्यवाद परमेश्वर असि प्रार्थना कर
करता परमेश्वर, फरसाद कोमा दे शांति दे रे, धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ टांट रे, ओ शलमान रबा लबा उसा कोला को प्रेश का साथ टांट रे, शलमान रबा लबा उसा कोला को प्रेश, ओ प्रगट बस बड़ी कली का साथ टांट रे, शलमान रबा लबा उसा कोला को प्रेश का साथ टांट रे, ओ धन्यवाद करता परमेश्वर तो हरी सत्यनिष्ठ प्रबल होंगे अते संसार दे कोमा विच प्रबल होंगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच, धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ टांट रे, ओ शलमान रबा लबा होसा कुला को परमेश्वर का साथ टांट रे, ओ शलमान रबा लबा होसा कुला को परमेश्वर का साथ टांट रे, ओ शलमान रबा लबा होसा कुला को परमेश्वर का साथ टांट रे, शलमान रबा लबा होसा कुला को परमेश्वर का साथ टांट रे, ओ रे 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 बा 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 होते बरा बसा लेगा बरा बसा नगा सा रे रे बो नि का साथ टांट रे, ओ शलमान रबा लबा होसा कुला को परमेश्वर का साथ परमेश्वर का साथ टांट रे, शलमान रबाला बौसा कुल को प्रेश का साथ टांट रे, ओ शलमान रबाला बौसा कुल को प्रेश का साथ टांट रे, शलमान रबाला बौसा कुल को प्रेश का साथ टांट रे, ओ शलमान रबाला बौसा कुल को प्रेश का साथ टांट रे, अग्रदीग्रा 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 लेगा बाल अपने हाथों में चकांगे परमेश्वर का धन्यवाद करांगे, परमेश्वर नाल गलबात करांगे। एक सुविधा जो सिर्फ मसीहा नूं मिली आ, जो महिमामई परमेश्वर नाल गलबात कर सकदे आ। इस संवाद नूं विकसित करो, परमेश्वर नाल गलबात करो, दसो कि तुसीं उहनां किन्ना प्यार करदे आ, उहदा धन्नवाद करो। तुहाडे जिंदगी दे विच उहदी भलाई वास्ते, उहदी करुणा वास्ते, उहदे मार्गदर्शन वास्ते, उह सब जो पवित्र आत्मा ने तुहानूं सिखाया उहदे वास्ते, वो सब कुछ जो पवित्र आत्मा ने तुहाडे विच और तुहाडे द्वारा किया उहदा धन्नवाद करो, उहदा धन्नवाद करो कि असी परमेश्वर दे रहण दा स्थान हैं। धन्नवाद करो कि परमेश्वर साढ़े तो प्रसन्न है, ओ प्रभु तेरा धन्नवाद। धन्नवाद करो, धन्नवाद करो, धन्नवाद करो, धन्नवाद दिंदे पिता परमेश्वर, तुसी दयालु हो, कृपालु हो, महिमा में परमेश्वर हो, ज्योति उहदे पिता सत्यनिष्ठ परमेश्वर हो, तुहाडे वर्गा कोई नहीं है। सारी दुनिया तुहाडी है और दुनिया सारे देश तुहाडी है प्रभु, और असी सब तुहाडे हत्थां दी रचना जो तुहाडे वास्ते बनाए गए हैं। धन्नवाद करदे हां पवित्र आत्मा दी सामर्थ वास्ते, पवित्र आत्मा दी योग्यता वास्ते, धन्नवाद करदे हां पवित्र आत्मा दी सेवकाई वास्ते, धन्नवाद करदे हां इस समय वास्ते, धन्नवाद करदे हां जो तुसीं सानूं दित्ता कि असीं तुहाडे वचन सिक्ख्या अगे वधीए। असीं कहिंदे हां साडियां आत्मावां, साडे दिमाग खुल्ले आ तुहाडे वचन नूं सुनण वास्ते और ग्रहण करन वास्ते, और इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकदे हो, हालेलुया। चलो अज दा मैसेज है, तुसी मसीह विच सिद्ध हो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं मसीह विच सिद्ध हां, मैं मसीह विच सिद्ध हां। सिद्धता एक ऐदा दी डॉक्ट्रीन है जिदे विच चर्च, जदों मैं चर्च दी गल कर रहा हाँ, चर्च दे विच भी 95% चर्च भी उस सिद्धता दी शिक्षा नूं ढंग नाल नहीं समझ पा रहे। और क्योंकि ढंग नाल नहीं समझ पाया तो लोगों ने उन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया। और सिद्धता एक मरिगमारी चक बन गई आ, एक एल्यूशन बन गई, एक भ्रम बन गया, क्योंकि सिद्धता के विषय के जो ज्ञान उन्होंने दिता गया वो परमेश्वर के ज्ञान तो बहुत अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो असी गल करते हैं रैप्चर की, यह डॉक्ट्रीन तुहाडे वास्ते बहुत जरूरी आ, क्योंकि बाइबल कहती आ परमेश्वर एक ऐदा की कलीसिया वास्ते आ रहा
जो बिना दाग तबे दिया, बिना परेशानी दिया, बिना झुरनियों दिए, यानी कि मसीह एक सिद्ध कलीसिया वास्ते आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मसीह एक सिद्ध कलीसिया वास्ते आ रहे हैं। और परमेश्वर दे नाल कलीसिया कड़ी आ, तुसी बिल्डिंग थोड़ी आ, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है, तुसी कलीसिया हो। बहुत सारे लोग कहते ओ वो लोग ही जो पांच लोग गलत कर रहे हैं, प्रभु ने अनुभूति आ, प्रभु ने अनुभूति आ, वो चर्च में आ सकता वा, तो जेडे पापी आदि वजह ने बाकी का उद्धार रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जिन्हें सुधरने का मन नहीं बनाया कि उसकी वजह ने बाकी का उद्धार रुकेगा? बिल्कुल नहीं। तो नवे नियम दे विच जो परमेश्वर नाल साडा संबंध है वह इंडिविजुअल है। की है? इंडिविजुअल। परमेश्वर साडे नाल व्यक्तिगत रूप नाल संपर्क रखता वा, और साडे विच हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप दे विच परमेश्वर नूं जवाब देगा। मैं की कीता? मैं जवाब दूंगा। इन्हें किया ये जवाब देगा। मेरी गलती नाल इहदा नुकसान नहीं है, इहदी गलती नाल मेरा नुकसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तां इह जो सिद्धता यीशु मसीह वास्ते बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तुसी उस सिद्धता नूं समझो और उस सिद्धता नूं जीना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलो, बहुत सारे लोग कहिंदे आ वो सिद्ध होना संभव नहीं है, असी सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्धता तो असंभव है। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। चलो पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम ने की क्या? उत्पत्ति 7 पहले वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का होया तो यहोवा ने उन्हें दर्शन दे के क्या, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। प्रेज़ द लॉर्ड। बी द परफेक्ट। तो सिद्ध जीवन जी। ये परमेश्वर ने अब्राहम नु क्या सी 1000 साल पहला कि मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो, होता जा लिख दिता वा, क्योंकि उन्होंने भी यही समझ सी कि सिद्ध होता, सिद्ध इंसान होता जाता वा। पर बाइबल कहती है बी द परफेक्ट। तो सिद्ध रहना। पड़ोसी ने बोलो सिद्ध रहना, सिद्ध रहना। तो परमेश्वर के हिसाब न अब्राहम दे नाल सिद्ध होना संभव सी। अगर अब्राहम वास्ते सिद्धता संभव है तो परमेश्वर ने अब्राहम नूं सिद्ध होने वास्ते नहीं करना सी। परमेश्वर एक व्यक्ति नूं कदी भी वो करने वास्ते नहीं कहेगा जो व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उन्हें करने वास्ते क्या, तो परमेश्वर गलत होएगा। और परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। किन्होंने समझ आ रही है? सोचो, अगर मैं तुहानू कुछ करने वास्ते कहा जो तुसी नहीं कर सकते तो मैं गलत है ना? जिदा मैं कानून जी ने कहा तुसी बच्चा पैदा करो, पेट में बच्चे लगे घूमो, नहीं कर सकते। यह पुरुष है, ये गर्भवती नहीं हो सकते। अगर मैं इन्होंने कहा गर्भवती हो जा, मैं सही है कि गलत है? क्योंकि ये गर्भवती नहीं हो सकते। तो उस तरह अगर परमेश्वर किसी को कहे सिद्ध हो, उस इंसान के अंदर सिद्ध होने के अंदर योग्यता नहीं है, तो परमेश्वर की हो जाएगा? गलत। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा सिद्ध हो, तो परमेश्वर नूं पता सी अब्राहम दे अंदर सिद्ध होने की योग्यता, अब्राहम सिद्धता विच जी सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बहुत सारे लोगों को लगता नहीं मैं सिद्ध नहीं हाँ, नहीं मैं परमेश्वर तरह नहीं सोच सकता, मैं परमेश्वर तरह प्रेम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर तरह नहीं चल सकता, बिल्कुल गलत। तुसी परमेश्वर वर्गी ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर की तरह प्रेम कर सकता। खुश होकर बोलो मैं परमेश्वर की तरह प्रेम कर सकता, मैं परमेश्वर की तरह सोच सकता, मैं परमेश्वर की तरह बोल सकता। सिंपल। तुसी कहो ऐदा क्यों? चलो Matthew 5:48, इसलिए चाहिए कि तुसी सिद्ध बनो जिस तरह तुहाडा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यही वो चीज़ है जो अब्राहम नूं कही गई सी, प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट की थी। इसलिए चाहिए कि तुसी सिद्ध बनो। अगर सिद्धता संभव नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा सिद्ध बनना? अगर सिद्धता परफेक्शन पॉसिबल नहीं है तो वह तुम तो दुनिया तुम दसेगी ओ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
फिर कहने परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। गलत नहीं कर रहे हैं, अभ्यास तो एक आदमी सिद्ध नहीं होता। प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, ओनली गॉड्स मेक यू परफेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं बनाती, परमेश्वर बनाता। हालेलुया। बोलोगे तो नहीं तो बोलो परमेश्वर सिद्ध बनाता। और परमेश्वर ने सिद्ध बनाया, उन्हें अब्राहम ने कहा सिद्ध हो, और शायद कुछ लग रहा है चूक से वो गलती सी, यीशु मसीह ने भी कहा था। कोई बोले नहीं 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 नहीं, आज अजय भी ज़्यादा मन नहीं मानता, पहला ही सुनना 417। इससे तो प्रेम साढ़े बच्चे सिद्ध होंदा कि असी न्याय के दिन सानू हया होवे कि जिदा ओ आ ओदा संसार विच असी भी हाँ। प्रे सलाह कि परमेश्वर सिद्ध, कि परमेश्वर सिद्ध सिद्ध है या होने वाला। बाइबल की कहती है कि जैसा वो है उस तरह असी भी स्वर्ग विच होवांगे। इदा लिखिया, इदा लिखिया पढ़ो। बहुत सारे लोग यही समझते हैं क्योंकि जिदा वो है ओदा असी भी स्वर्ग विच होवांगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक दो दिन पढ़ो, एक दो तीन पढ़ो। संसार दे विच एक स्वर्ग विच होवांगे। हेलो, बहुत सारे लोगों लगता ओ नहीं नहीं, धरती विच धरती दे इंसान सिद्ध नहीं हो सकता, स्वर्ग विच जाके सिद्ध होएगा। फिर तो तुसीं बाइबल पढ़ी नहीं। सिद्धता इत्थे होएगी, इत्थे होएगी। स्वर्ग विच जाके तुसीं सिद्ध नहीं होने वाले। इनफैक्ट तुसीं सिद्धता विच चलना नहीं सीखोगे तो मैंने शक है कि तुसीं स्वर्ग पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। मैनूं नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिलेक्शन प्रोसैस है। अगर किसी को दौड़ना नहीं आता तो मैंने नहीं पता वो लंबी विच जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा तो अगर कोई सिद्ध नहीं हो पाया तो मैंने नहीं लगता स्वर्ग जाएगा। जो सिद्धता मनन वास्ते तैयार ही नहीं है व्यक्ति स्वर्ग किदा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब नौकरी ना मिले उन्हें जो यूबीसी ढंग नहीं आती तो बिना सिद्धता दे तुसीं रैप्चर दी नहीं सोच सकते, क्योंकि सिद्धता का अभ्यास करना शुरू करो। बोलो मैं सिद्ध है, मैं सिद्ध है। खुश होकर बोलो मैं सिद्ध है, मैं सिद्ध है। तुहाडी सारियां गलतियां के बावजूद तुसीं सिद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने का मतलब यह नहीं कि तुसीं गलतियां करते रहो, पर सच्चाई अपनी जगह बनी रहेगी कि तुसीं सिद्ध हो क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं इदां ही बनाया। पर सवाल है कि तुसी परमेश्वर की उस परिभाषा को अपनाने वास्ते तैयार हो। रोज़ अपनी रैपसोडी पढ़ो। की पढ़ो? रैपसोडी पढ़ो। ये चीज़ा तुहानूं शुद्ध रखेंगी। बाइबल कहती है वा तू उन्हां वचनां तो शुद्ध है जो मैं तुहानूं कहे आ। अगर तुसी सवेरे कुछ गलती की आ और तुसी बाइबल पढ़ ले तुसी शुद्ध हो गए, रैप्चर वास्ते रेडी हो गए। कोई तुहानूं कहे गंदे हो तो होंदा ना कि सरकार आ रही आ घर विच दरवाजा खटखटाएगी और जो पिछले 10 मिनट तों नहाया होया मिलेगा और मैनूं 1 लाख मिलेगा। मैनूं पता कुछ लोग तो बाथरूम विच बैठे बैठे रहेंगे। बोलूंगा देख 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 3 घर पहले आया तो मैं दस देना भाई मैं नहा के नहा के निकल आऊँगा, क्योंकि रोल कहता वा 10 लाख और वीडियो भी बना लोगे। इन्ना ही तुहानूं रैप्चर वास्ते तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये गल 1 लाख रुपए की नहीं है, ये गल तुहाडी आत्मा की, तुहाडे उद्धार की आ। इन्ना तुहानूं अलर्ट होना वा, इन्ना प्यार करना इस रैप्चर के नाल। वैनसडे तुहाडी मीटिंग तुहाडे वास्ते जरूरी आ, टीवी ते प्रोग्राम ये तुहाडे वास्ते जरूरी है। तुसीं अपने पैसे नाल की कर रहे हो पुछो अपने आप नूं। कहना ना तुसीं अपने पैसे नूं जिदा पहला इस्तेमाल कर रहे हो उस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। प्लीज़ प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, वापस चलते हैं। पास्टर ने दस्या कल मैसेज विच मानवीय आत्मा की शिक्षा कि किस तरह कुछ लोग हैं, कोई सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी मानवीय आत्मा शिक्षित किया, बाकी लोगों ने कभी भी अपनी आत्मा में निवेश नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग में निवेश किया, उन्होंने अपने शरीर में निवेश किया, पर अपनी आत्मा में निवेश नहीं किया। और जिंदगी पर उन्होंने कुछ सवाल है,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਈ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨਮਕ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਗਏ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੰਦੇਸ਼ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭੌਤਿਕ ਅੱਖੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਕੰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਗੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਗੂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਪੰਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ। ਬੋਲੋ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਚੰਗਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਗੂ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨਾਮ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਪਾਸਟਰ ਦੱਸਿਓ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪੰਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ, ਤਦ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਗੂ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਪਾਇਆ। ਉਨੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪੰਗੂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪੰਗੂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਰੀਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇ ਲੂਈਆ, ਹਾਲੇ ਲੂਈਆ।
सो परमेश्वर कितने काम करना चाहता तुहाडी आत्मा दे विच ना कि तुहाडे शरीर विच तुहाडी आत्मा विच। तां परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा तू की आ सिद्ध हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने की कहा सिद्ध हो। असीं जदों पढ़िया जिदा वह है उदा सृष्टि विच असीं भी हाँ। तुसी इस जानकारी नूं अपना लैंदे हो नहीं मैं सिद्ध हाँ। बोलो मैं सिद्ध हाँ, मैं सिद्ध हाँ, मैं सिद्ध हाँ। अगर तुसी अपनी आत्मा तो मनोगे तुहाडे शब्द बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत हर व्यक्ति वास्ते तुहाडे वास्ते प्यार होएगा। परमेश्वर की सेवा करना तुहाडे वास्ते आसान हो जाएगा। अगर तुसी इस जानकारी नूं उस पंगू आदमी की तरह मन लो उठ और चल तो परमेश्वर तुहानूं की कह रहा तुसी सिद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हैलो मैं क्या तुसी सिद्ध हो, तुसी सिद्ध हो। लेकिन तुहाडा रिस्पोंस मैटर करता। कुछ लोग रिस्पोंस नहीं करते। ये तो मैनूं पता लग रहा कौन आत्मा विच पकड़ रहा और कौन सो रहा। मैं फिर तो बोल रहा तुसी सिद्ध हो। बाइबल दसदी आ वो आदमी जंप मार के जंप करके इदा नहीं सी कि बाइबल दसदी पतरस ने सज्जे हथ नाल उठाया। जो पतरस ने सज्जे हथ नाल उठा रहा सीगा तां आदमी की कर रहा सी ओ हौली 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 उठ चको भाई तैनू की पता 40 साल तो लत्तां बेकार है ओ मरे 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 वो टुट गई टुट गई टुट गई ओ भाई की कर रहे हो तुहानूं समझ नहीं आ रही। नहीं बाइबल कहती वह जंप मारिया उन्हें उहदा एक रिस्पोंस सी। प्रेज़ द लॉर्ड। उहदा की सी एक रिस्पोंस सी उहनूं उठा रहा सी उह जंप उहने जंप मारिया। सोच के देखो समझ आ रहा ना। सोच के देखो बाइबल दसदी आ कि पतरस ने उहनूं सज्जे हथ नाल उठाया और वह जंप मार के उठिया। ये रिस्पोंस है उहदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जंप मार के किया खड़ा होया जो वचन आंदा वा तुसी करदे कुद के जंप मार के खड़े हो जाने हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुसी सिद्ध हो। अजे तक किसी ने नहीं समझिया। तुसी समझ दे तो मैं समझ आ जाता। तुसी समझ दे तो मैं समझ जाना। तुसी सिद्ध हो। मैं सिद्ध हाँ। हालेलुया। आप प्रभु देखो किन्ने आजाद हो रहे हैं। कुछ लोग कुर्सी से जमे बैठे हैं। रैप्चर में कितना उठा उठेंगे। हाँ 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 हाँ। बोलो हल्के बनो। प्रश्न बोलो हल्के बनो। हल्के बनो तो ये शब्द होएगा जो सुनेगा उदा रैप्चर हो जाएगा। बाइबल ऐसी कहती है ना तैयार रखो भाई वो शब्द सुनाई पवेगा तो मैं क्या सिद्ध हो जाओ तुम रिस्पोंस अंदर दिन वाले टाइम लग रहा है तो जो तुरी बजेगी तुम कदों रिस्पोंस करोगे। हाँ 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 मेरी तरह बन जाओ भाई कि रैप्चर कभी होने वाला तुरी बजेगी ओ आ जंप करने वास्ते तैयार हो जाओ। तुरी बजी तुम एक्साइटेड हो गया गया रैप्चर। दुखी मत हो भाई तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 मैं डरा नहीं रहा। डर रहे पर फिर भी अच्छा हुआ क्योंकि प्रभु का डर बुद्धि की शुरुआत है। ये प्रभु का डर है शैतान का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं सिद्ध हैं, मैं सिद्ध हैं। और कदों तक बोलते रहूँगे जिन्हें तक तुहाडे अंदर तूफान ना पैदा हो जाए। वचन नाल की हो जाओ हल्के। वचन नाल की हो जाओ हल्के। वचन कवे तुसी उत्तराधिकारी हो। हाँ मैं उत्तराधिकारी मैं उत्तराधिकारी मैं उत्तर इधर बन जाओ तेरी तरह दाऊद की तरह जिसे वास्ते वड्डी लुट। हालेलुया। हा 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 बच्चे तरह बनो जो 1 रुपए की चॉकलेट तो उदो ही को नहीं खुश होंगे वा जिनी स्वीट लाने की खुश चॉकलेट तो उन्हें नहीं पता उन्होंने सिर्फ चॉकलेट पता। कुछ लोग कहते कमीज किन्ने की है मिल गई इन्ने वास्ते खुश नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सिद्ध मैं सिद्ध। हालेलुया। बोलो सिद्धता। सिद्धता तो तुहाडा फोकस कितने होना परमेश्वर से। तुहाडा फोकस किहदे उपर है तुहाडी आत्मा की शिक्षा से कि तुहाडी आत्मा शिक्षित हो सकती है क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता।
परमेश्वर जिद्दां तुहानूं देख रहा जिंदगी भर उदां ही देखदा रहेगा। चाहे तुसीं कुछ भी कर लो, तुहाडे विषय विच परमेश्वर का विचार बदलने वाला नहीं है। चलो पढ़ते हाँ मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलदा नहीं। प्रेज़ अल्लाह। इसी कारण हे याकूब की संतान तुसीं नष्ट ही होए। सुनदे इन्होंने किन्ने पाप किए, किन्ना धोखा किया, किन्ना विद्रोह किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं बदलूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुहानूं ना छड्डूंगा ना त्यागूंगा। अब्राहम की वजह नाल मैं बदलूंगा नहीं, तुहाडियां गलतियां मैनू बदल नहीं सकदियां। मैं तुहानूं प्यार करदा रहूंगा, किहदी वजह नाल? अब्राहम की वजह नाल। मैं तुहानूं समृद्ध बनाऊंगा, किहदी वजह नाल? अब्राहम की वजह नाल। परमेश्वर ने कहा मैं बदलता नहीं। इसी कारण है याकूब की संतान तुसीं नष्ट नहीं होए। नहीं तो इंसान के पाप इन्ने से नष्ट हो जाते। तुहानूं याद है नूह दे समय दे बाइबल ने क्या, परमेश्वर ने क्या, इंसान ने बहुत पाप कर लिया, रहने लायक नहीं आ। तो परमेश्वर ने किया मैं दूजी सृष्टि बनाऊंगा। पर इत्थे परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं यहोवा बदलदा नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुसीं नष्ट नहीं होए। प्रेज़ द लॉर्ड। इहदा मतलब साडे विच हर एक वास्ते वापसी का रस्ता है। अगर तुसीं सही जीवन नहीं जीऊंगे, तुसीं कहोगे नहीं प्रभु तुसीं बदलदे नहीं हो, तुहाडा प्यार मेरे वास्ते उदां ही आ, मैं अज तो सही जीऊंगा, मैं अज तो करूँगा जो तुसीं करन वास्ते क्या वा, मैं सिद्धा, मैं तुहाडा प्रेम करदा, मैं तुहाडी सेवा करूँगा, मैं तुहाडा परफेक्ट एग्जाम्पल बन के दसूँगा इस दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्व की ज्योति हाँ, मैं धरती का नमक है। तुसीं शुरू हो जाओ, तुहानूं पता वापसी का रस्ता है। तुहाडे वास्ते परमेश्वर का प्रेम खत्म होने वाला नहीं है, उहदा दिमाग तुहाडे बारे बदलने वाला नहीं है। चाहे तुसीं कुछ भी क्यों ना किया हो, तुहानूं उस वापसी के रस्ते इस्तेमाल करना। मैं शायद बुधवार भी दिखा सका रहा सीगा, घूम जाओ बदल जाओ। तो साढ़े को वापसी का रस्ता है, ये रैप्चर का समा वापसी का रस्ता वा, उस वापसी के रास्ते चुन लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने बोला वापसी का रस्ता। गिनती 23:19 वचन, ईश्वर मनुख नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी आ कि अपनी इच्छा बदले। वाओ, यानी कि परमेश्वर ने अगर तुहाडा भला चाहिया वा, वह जिंदगी भर तुहाडा भला चाहुंदा रहेगा। वो तुहाडे विषय में अपनी इच्छा बदलने वाला नहीं है। लिखिया ईश्वर मनुख नहीं कि झूठ बोले। बोलो मैं झूठ नहीं बोलता। यानी कि इंसान जो झूठ बोलता वो की बन जाता, मनुख। सोच के देखो तुसी कित्थे हो, परमेश्वर की श्रेणी में है, अगर झूठ बोलता तो कित्थे पहुँच गए। इस करके झूठ बोलना बंद करो। झूठ तुहानू इन्ना नीचे गिरा सकता तुसी सोच भी नहीं सकते। सोच के देखो असी जो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं मसीह के नाल, झूठ सानू कित्थे बिठाएगा? मनुख, तुहाडी रैंक इन्नी तेजी नाल गिरदी आ जिहनू दस्या भी नहीं जा सकता। हर झूठ तुहाडी रैंक नूं तेजी नाल नीचे दिखाउंदा। तुहाडे कोल जो स्वर्ग दूत हुंदे आ ओह घर लेवल वाले, मैनूं पता मैं की करिया। परमेश्वर तुहानूं उच्चा बिठाया, उत्थे उच्चे स्वर्ग दूत सी तुहाडी सहायता वास्ते। झूठ बोल बोल के तुसीं कित्थे चले गए? एड्डे स्वर्ग दूतां दे कोल जो सिर्फ 10 रुपये लिया सकदे, केवल 10 रुपये लिया सकदे, क्योंकि जो 10 लाख वाले स्वर्ग दूत है वह अलग लेवल ते आ, जो 1 करोड़ लिया सकते हो अलग लेवल ते हैं। पर तुहाडा झूठ की करता जा रहा, तुहानूं तुहाडे स्तर नूं गिरा रहा। ध्यान देवो, बाइबल आत्मिक है। कुछ लोगों नूं झूठ पानी तरह पसंद है। उन्होंने की कर रहे हैं, जॉनी जॉनी यश पापा ईटिंग शुगर नू पापा, वो इधर नहीं है। हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर वर्गा, मैं परमेश्वर वर्गा, और परमेश्वर की इच्छा बदलने वाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सारे झूठे नरक में जाएंगे। कितने जन कितने ने पढ़े वचन में, पड़ोसी ने बोलो सारे झूठे, सारे झूठे नरक में जाएंगे। बोलो प्रभु का डर, बोलो प्रभु का डर बुद्धि की शुरुआत है। तो मैं तुम्हें प्रभु का डर दे रहा, सही है? ये प्रभु है जो सब देखता सब सुनता। तुहानू प्रभु के सामने समझाने की लोड़ नहीं है। बाइबल कहती मन के विचारों भी जांच लैंदा, उन्हें पता तुसी की सोचा की सोचते, उसके सामने अपना एक्सप्रेशन दो, प्रभु तुहानू पता मैं अच्छा आदमी नहीं हाँ, इन्हू सैड तो कर। प्रभु कहता बाकी गल बात ही कर, मैं पता तू किन्ने पानी में है। तो वो सामने अपनी सफाई पेश ना करो, प्रभु तुहानू जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें क्या
चलो चलते हैं। उन्हें क्या आप कितने सी मलाकी तीन छः इंपॉर्टेंट है मलाकी तीन छः क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं इसी कारण है याकूब की संतान तुसी नष्ट नहीं हुई। उन्हें क्या बेटा मैनू तेरे सारे क्रियाकलाप पता तेरू नष्ट हो जाना चाहिए पर क्योंकि मैं परमेश्वर बदलता नहीं है तुसी नष्ट नहीं हुई यानी कि प्रभु पता वो की कर रहे हैं नहीं तो प्रभु क्यों कहना तुसी नष्ट नहीं हुई कि प्रभु कह दिया कि तुसी नष्ट होने लायक सी क्योंकि मैं चंगा सी तुसी नष्ट नहीं हुई प्रभु नहीं पता की कर रहे क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हाँ क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हाँ इस कारण तुसी बचे हुए हो मैं पता तुसी की कर रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड इस कारण तुसी बचे हुए हो प्रेज़ द लॉर्ड हाँ 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 बोलो वापसी का रस्ता चंगा कि बुरा अच्छा है ना तो वापसी का रस्ता दे रहा प्रेज़ द लॉर्ड क्यों कुछ जंजीर तक पता भी नहीं होगी वो कटने वाली तुम कटनी है प्रेज़ द लॉर्ड गिनती 23-19 फिर तो पढ़ांगे ईश्वर मनुख ने एक झूठ बोले बोलो मैं झूठ नहीं बोलना खुश होकर बोलो मैं झूठ नहीं बोलना मैं झूठ नहीं बोलता मैं झूठ नहीं बोलता मैं तुम दस रहा मैं तुसी अगर तुसी 1,00,000 बार बोल लिया थोड़ी आत्मा बदल जाएगी प्रेज़ द लॉर्ड बोलो मैं झूठ नहीं बोलता मैं झूठ नहीं बोलता मैं ईश्वर के स्वरूप दे विच है मैं परमेश्वर के रूप दे विच है मैं झूठ नहीं बोलता शैतान दा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है अंधकार दा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है मैं शुद्ध हैं मैं पवित्र हैं मैं सिद्ध हैं मैं सत्यनिष्ठ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आमेन। अपने हाथों उठाओ और गैर भाषा प्रार्थना करो धनवाद करो परमेश्वर का धनवाद 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 करो परमेश्वर का हालेलुया कह सकते हो महिमा महिमा महिमा। अगर तुम पहली बार आए हैं तो अभी तुम्हारा स्वागत करना चाहवागे खड़े हो सकते हो जो तुम पहली बार आए हैं जोर नाल ताली बजा सकते हैं वास्ते और जोर नाल ताली बजा सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस प्रार्थना मेरे पिछे करो अपनी अखन बंद करो ताकि आनंद जीवन तुहाडे अंदर आ सके। अगर पुत्र नहीं आ तो आनंद जीवन नहीं आ अगर ये प्रार्थना करोगे तो तुहाडे को पुत्र भी आएगा और आनंद जीवन भी आएगा। अपने अखन बंद करो और मेरे पिछे विश्वास नाल बोलो बोलो हे परमेश्वर मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जीवंदे परमेश्वर के पुत्र विच मैं विश्वास करदा कि वह मैनूं बचाउण वास्ते क्रूस ते मरे और परमेश्वर ने उन्हां नूं तीसरे दिन मरिया होया विचों जिंदा किया और वो अज सदा वास्ते जीवित है। मैं अज प्रभु यीशु मसीह नूं बुलाना अपनी जिंदगी विच मेरा प्रभु होने वास्ते मेरा स्वामी होने वास्ते अज तो मैं परमेश्वर की संतान है अज तो मैं बच गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर मैनू बचाने वास्ते प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमेन। वाह जो दाली बजा सकते वास्ते अगर तुसी ये प्रार्थना की है तो अज तो तुम परमेश्वर की संतान हो और अनंत जीवन थोड़ा इसी आदर और सम्मान के अपनी पेंट अपना दसवान अपनी पार्टनरशिप देने वाले हो। धन्यवाद कर दे धन्यवाद कर दे धन्यवाद। जो परमेश्वर तुम मुफ्त दिता अनंत जीवन सो अभारी मन तो प्रभु ने अपनी पेंट दवो अपना दसवान। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन्हों भेटा वास्ते इन्हों लिया अवसर देने वास्ते बुद्धि और ज्ञान देने वास्ते धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये मौका जो दस दिता
ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ, ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.